हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं झटपट आलू की टिक्की। बरसात के मौसम में ये सबको बहुत अच्छी लगती है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जिस सामान की जरूरत है वो इस प्रकार है। 500 ग्राम आलू, इनको हमने उबाल कर छील कर आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। ये है हरी मिर्च और अदरक, ये है चाट मसाला आधी चम्मच, ये है चावल का आटा 2 चम्मच, हरा धनिया, लाल मिर्च, नमक, धनिया, काला नमक और ये चिली फ्लेक्स। चलिए शुरू करते हैं। ये जो आलू हैं इनको हमें घिसना है, फोड़ना नहीं है। इसी तरह सारे आलू घिस लेने हैं हमको। अब हमने सारे आलू कसकर तैयार कर लिए हैं। अब इसमें मसाले मिलाने हैं। सबसे पहले डालेंगे हम हरा धनिया, उसके बाद डालेंगे हरी मिर्च और ये अदरक, क्योंकि ये मिर्च हमें कई तरीके की डालनी है इसलिए हमें कम ही डालनी है हर चीज। लाल मिर्च 1/4 चम्मच, धनिया 1/2 चम्मच, नमक 1/2 चम्मच, ये चिली फ्लेक्स है इन्हें भी डाल देंगे। ये चाट मसाला, और 1/2 चम्मच से कम काला नमक। अब हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो है चावल का आटा, ये भी डाल देंगे, इससे टिक्की बहुत कुरकुरी बनेगी। अब इन सबको मिला लेंगे। अब हमारा टिक्की का मसाला तैयार है। अब हमें इसकी टिक्की बनानी है, तो टिक्की को हम डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, इसको हाथ में तेल लगाकर तब बनाएंगे, नहीं तो ये आलू हमारे हाथ में चिपकेंगे। तो तेल ऐसे लगाना है हाथ में और थोड़ा सा तोड़ना है इसमें से, लगभग इतना। और इसको गोल गोल करके टिक्की बनानी है और नीचे दबा देना है। इस तरीके से हमें सारी टिक्की बनाकर तैयार कर लेनी है। पहले इस तरह से हमने सारी टिक्की बनाकर तैयार कर ली है। अब इनको 10 से 15 मिनट के लिए मुझे फ्रिज में रखना है। अब इनको फ्रिज में रख देते हैं। टिक्की को फ्रिज में रखे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है। अब हमें इन्हें शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। तो हमें इसमें थोड़ा ऑयल डालना होगा। गैस हमने चालू कर दी है, अब इसमें ऑयल डालते हैं। अब ऑयल को गर्म होने देते हैं।
अब हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब इसमें एक एक करके हम टिकिया रखते हैं। जब तक टिक्कियाँ थोड़ी ब्राउन नहीं हो जाती नीचे से, तब तक इनको हाथ नहीं लगाना है। थोड़ी देर बाद ब्राउन होने पर पलट दी जाएंगी। सारी टिक्की नीचे से सिक गई हैं, अब इनको पलटना है। तो बड़े आराम से इनको हम पलटेंगे। देखिए कितना सुंदर कलर आया है। अब इन्हें दूसरी तरफ भी सिकने देते हैं। लीजिए हमारी टिक्कियां बनकर तैयार है। चाहे तो आप इसको दही सौंठ के साथ खा सकते हैं और चाहे इनको चटनियों के साथ भी खाया जा सकता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।